हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर 9 से एक्सरसाइज 9.1 का सेकंड क्वेश्चन, जो कहता है कि देखिए स्टेटमेंट कहती है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। क्या हो गया, एक ट्री है, वो ट्री क्या कर रहा है, टूट गया। कहां से टूट गया देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक ट्री है, इस पॉइंट से ट्री जो है वो टूट गया, और टूट के क्या कर दिया उसने, जमीन को टच कर दिया, राइट। इतनी बात कही इसने, और जैसे ही इसने जमीन को टच किया तो जमीन को टच करके इसने कितने डिग्री का एंगल बना दिया, एंगल बना 30 डिग्री का, क्लियर है। नेक्स्ट ये करें, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, यानी कि ये जो ट्री है, ट्री के जो फुट है, उस फुट से डिस्टेंस की बात कर रहा है, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, जिस पॉइंट पे ग्राउंड को टच किया है उस पॉइंट से लेके फुट तक इसकी जो लेंथ है, डिस्टेंस है, वो है 8 मीटर। वो कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, बिल्कुल ध्यान देना, हाइट ऑफ द ट्री मींस जितना ये ट्री खड़ा है बिल्कुल प्रॉपर, और जितना टूट के नीचे गिर गया है और टच करना है जमीन को, है तो एक्चुअल में ये भी ट्री है, ये भी तो ट्री है, ये भी ट्री है, तो ये तो ट्री का पार्ट है ना, अभी तो टोटल लेंथ कैसे मिलेगी, परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारे पास हाइपोटेन्यूज, और ये हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेन्यूज, यानी कि हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना पड़ेगा, और बेस की वैल्यू हमारे पास है, और एंगल भी है। अब एक ऐसी वैल्यू देखो जिसमें परपेंडिकुलर और बेस इन्वॉल्व हो, और बेस और हाइपोटेन्यूज इन्वॉल्व हो, इन दोनों चीजों को यूज करेंगे, साथ में एक्यूट एंगल की वैल्यू यूज करेंगे, और या तो परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा देखते हैं, पहले हम परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लेते हैं। परपेंडिकुलर और बेस पी अपॉन बी, ये कौन सी रेशियो है, ये है टैन, ये टैन है, और टैन एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री। टैन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल टू 1/√3, और परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है, और बेस की वैल्यू हमें गिवन है 8 मीटर, क्लियर है जी। यहां से क्या हो जाएगा, बेस 8 मीटर, परपेंडिकुलर हमें मिल जाएगा, इट इंप्लाइज परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8/√3 मीटर, ये आ गया परपेंडिकुलर, यानी कि ये वाली वैल्यू आ गई 8/√3। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज। अब आप साइन को यूज करके कर सकते हो, पी अपोन एच, बी अपोन एच कर सकते हो, कोस को यूज करके, तो हम कोस यूज कर लेते हैं, बी अपोन एच क्या गिवन है आपको, देखिए बी अपोन एच किसके बराबर होता है, कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे है हमारे पास 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, लिख देंगे √3/2 इक्वल टू, बेस हमारे पास है 8 मीटर, यानी कि 8, और एच हमें फाइंड आउट करना है, क्लियर है। फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एच यहां चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, एच वैसे तो आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एच √3 बनेगा, √3 उसके बाद आप नीचे लेके आ सकते हो, 2 × 8 हो जाएगा, 8 × 2 हो जाएगा 16, और √3 आ जाएगा एच की जगह, और एच चला जाएगा √3 की जगह। फ्रैक्शन की डिवीजन या इक्वालिटी, ये सारी चीजें सॉल्व आपको करनी आनी चाहिए। अब एच भी आपके पास आ गया और परपेंडिकुलर भी आपके पास आ गया, अब टोटल हाइट ऑफ द ट्री ये फाइंड आउट करना था, सो हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम, इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस हाइट जो हमने अभी अभी फाइंड किया है, देखते हैं इसको ऐड करके, परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट किया था 8/√3, सॉरी ये वैल्यू निकाली हमने, है ना, तो P और H को ऐड कर देंगे, P आपके पास आ गया 8/√3, और H आपके पास आ गया 16/√3, क्या करेंगे टोटल कर लेंगे, ऐड करेंगे, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर एक बार लिख देंगे हम √3, और न्यूमिनेटर्स को एज इट इज ऐड कर देंगे 8+16, जो क्या बन जाएगा 24/√3। अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर रूट के साथ है और प्राइम नंबर है रूट के अंदर, तो हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो रैशनलाइज करने के लिए क्या कर देंगे हम 24 × √3 कर देंगे, और डिवाइड बाई √3 × √3, यानी कि √3 के साथ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये सब करने के बाद क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 24√3, और √3 मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 3, और 3 के साथ 24 हो जाएगा कैंसिल, 3 × 8 = 24, सो आपके पास आंसर क्या आ गया, हाइट ऑफ द ट्री 8√3 मीटर, दिस इज द टोटल हाइट ऑफ द ट्री एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।